सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 देखिए, यहाँ पर रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यानी संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं। देखिए, नंबर लाइन्स हमने बचपन से पढ़ी हैं, लेकिन हमें नंबर जो रिप्रेजेंट करने सिखाए गए हैं, ये नंबर लाइन थी, ये संख्या रेखा है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2 ऐसे नंबर थे ना, ऐसे नंबर को हम रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन ये कहना है कि भाई रियल नंबर है, वो नंबर 1, 2, 3 हो सकता है, 1.4242 हो सकता है, 1.3775 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो उस नंबर की एग्जैक्ट लोकेशन आप इसको इस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस मेथड को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में तो दो ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और हम बताते हैं कि हम नंबर लाइन पे उस नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ज़रा ध्यान से समझिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि जगह बहुत ही घेर रही है डी। यानी कि नंबर लाइन पे वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करना है, और इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमें 1.2 को रिप्रेजेंट करना है। अगर ध्यान से देखिए कि 1.2 नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, सही कह रहा हूँ मैं, यानी कि 1 और 2 के बीच में कहीं होगा। तो देखो तरीका क्या होता है, पहली एक नंबर लाइन खींचिए, खींच दिया, अब आप स्केल ले लीजिएगा और स्केल से बढ़िया मेजरमेंट समान दूरी पर रखिएगा, और समान दूरी पर आप एक एक इंच पर आप कुछ संख्याएँ ऐसे कर दीजिएगा, एक एक इंच पर इसको 0 कर दो, एक 1 कर दो, एक 2 कर दो, एक 3 कर दो, ऐसे नंबर रिप्रेजेंट कर दिया, कर दिया। अब आपका संख्या जो है ना, ये पहली आपने लाइन खींची, आपने है ना फर्स्ट लाइन ऐसे खींच ली, अब आपकी संख्या 1 और 2 के बीच में है। अब इस 1 2 को उठाओ और इसको ऐसे जूम कर दो, ऐसे जूम नहीं करते, जूम करना आता है ना, अब इसमें कागज़ में तो हो नहीं पाएगा, मोबाइल में होता है। तो आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन और खींचो और इस 1 2 को जूम किया है ना, तो एक किनारा 1 लिख दो और एक किनारा 2 लिख दो, चलेगा, जूम कर दिया हमने। अब 1 2 के बीच नंबर कैसे आएंगे, 1 2 के बीच नंबर 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, ऐसे आएंगे ना। अब इसको बराबर 10 टुकड़े कर दो, इसके स्केल में ऐसा करोगे ना, ऐसा लंबाई करोगे कि उसके 10 टुकड़े बराबर हो जाएं, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये नंबर 1.1 होगा। ये नंबर क्या होगा, तो आप थोड़ा दूर दूर बनाओगे ना, तो आपके पास स्पेस ठीक ठाक होगा, और पेंसिल से पतला पतला लिख दोगे 1.1, ये 1.2, ये 1.3, ये 1.4, ये 1.5, ये 1.6, ये 1.7, ये 1.8, ये 1.9, फिर 2। हमने जानबूझ के ऊपर लिखा जगह बचाने के लिए, आपको 1.2 चाहिए ना, तो ये 1.2 नंबर आपको नंबर लाइन पे मिल गया। समझ में आई बात, कैसी कही, अच्छी कही ना। ये डेसिमल के एक प्लेस अगर नंबर है, तो ये तरीका होता है नंबर लाइन पे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, उत्तरोत्तर आवर्धन। आवर्धन मतलब बढ़ाना, हम जूम कर कर करके नंबर को उसमें देखेंगे, ठीक है। अब दशमलव के 2 अंकों वाला एक नंबर लेते हैं। अब मैंने लिखा 2 अंक, 1.24 नंबर रिप्रेजेंट करो। सबसे पहले देखो, ये जो नंबर है ना, 1 और 2 के बीच में लाई करता है। सबसे पहले तो आप ये नंबर लाइन पहले से खींच लिए है ना, ये नंबर लाइन आपने खींची है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, इसके बाद आपने इसको जूम किया था, ये 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही था ना, 1.1 था, 1.2 था, 1.3 था, 1.4 था, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, यही था ना। अब देखो 1.2 आपको मिल गया ना, ये 1.2, अब आपका नंबर 1.2 से कुछ बड़ा है लेकिन 1.3 से छोटा है, तो 1.2 और 1.3 ये दो नंबर ले लीजिए, अभी आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला है, और 1.2 और 1.3 को बड़ा कर दीजिए, यानी कि ये नंबर लाइन एक और खींचेगी, पहली नंबर लाइन खींची, फिर दूसरी खींची, फिर थर्ड लाइन एक और खींचेगी, और इसको जूम क्या किया हमने,
1.1 और 1.3 को हमने जूम कर दिया, बड़ा कर दिया, और इसके 10 टुकड़े कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 1.3 यहाँ लिख लो, 1.3 कर दिया। अब 1.2 और 1.3 के नाम बीच नंबर कैसे आते हैं, देखो 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.29 और 1.3 ऐसे आता है, पर 2.10 तो होता नहीं। तो यानी कि ये नंबर क्या आएगा, 1.21 आएगा ये नंबर, 1.22 आएगा ये, 1.23 आएगा ये, 1.24 आएगा ये, 1.25 आएगा ये, 1.26 आएगा, 1.27 आएगा, 1.28 आएगा, 1.29 आएगा और 1.3 आएगा। तो ये 1.24 नंबर आपको मिल गया, समझ में आई बात। अब अगर संख्या 2, 4, 5 होती, देखो एक और एग्जांपल लिया हमने कि 1.245, तो यानी कि ये नंबर 1.24 से बड़ा है और 1.25 से छोटा है, तो 1.24 और 1.25 इसको जूम कर दो, यही तरीका है, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप, इसीलिए उन्होंने उत्तरोत्तर कहा, सक्सेसिव एक स्टेप बाय एक स्टेप लाइन बनाते जाओ, और आवर्धन कहा, मैग्नीफाई करो इसको, तो एक नंबर लाइन और बनेगी और ये 1.24 यहाँ आएगा और यहाँ 1.25 आएगा, इसके 10 टुकड़े फिर होंगे, इसके बीच नंबर कैसे सेट होता है, देखो 1.241, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245 होते होते 249, फिर 25 आएगा, ठीक है। तो इसके फिर 10 टुकड़े करो, तो एक थोड़ा नंबर लाइन सीधी बना दे, वैसे मेरी राइटिंग गंदी है इसलिए गड़बड़ हो ही जाता है, इतना होने के बावजूद भी ये नंबर लाइन है, जूम किया था हमने, यहाँ पर 1.24 किया था, यहाँ पर 1.25 किया था, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक यहाँ बना दो, ये 1.25 है, तो ये 1.241 आएगा, 1.241, ये 1.242, ये 1.243, ये 1.244, ये 1.245, कौन सा नंबर चाहिए, 245 चाहिए ना, ये 1.246, ये 1.247, ये 1.248, ये 1.249, तो ये 1.245 आपको मिल गया, समझ में आई बात नहीं आई, तो इसको एक डिजिट और बढ़ा दो, इसका अगर इसके आगे एक और अंक बढ़ाओ तो इसको फिर जूम कर दो, इस प्रकार से हम उत्तरोत्तर क्रम में लिखेंगे। नंबर लाइन थोड़ा बड़ी बनाइएगा, ये कोशिश करना, ये जो जूम करोगे ना, इसको बढ़ाओगे तो ये थोड़ा लंबी लाइन कर दीजिएगा, जिससे जो 10 टुकड़े आएंगे वो थोड़ा दूर दूर आएंगे और आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब हम आपकी एक्सरसाइज 1.4 के दो क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3.765 नंबर है और इन्होंने कहा है कि सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड से इसको बताओ, मतलब एक ही नंबर लाइन में गुछ-गुछ ना कर दो, आप दो दो नंबर को बढ़ाते जाओ, मैग्नीफाई करते जाओ, उत्तरोत्तर आवर्धन करते जाओ और इस संख्या को रिप्रेजेंट करो। पहले तो देखो आप डेसिमल छोड़ दो, दशमलव छोड़ दो, ये संख्या 3 दशमलव समथिंग है, यानी 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है, तो पहले 3 और 4 के बीच नंबर चाहिए, तो आप एक बड़ी सी नंबर लाइन बनाओ, ठीक है, और उसमें दो संख्याएं, एक 3 दिखा दो, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और एक 4 दिखा दो, दूर दूर दिखाएंगे, और इसके 10 टुकड़े कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब चूंकि नाप की तो कर नहीं रही, 10 टुकड़े हो गए, ठीक है। अब देखो जरा 3 और 4 के बीच संख्या 2 चाहिए, ये संख्या 3.7 से बड़ी है और 3.8 से छोटी है, तो आप यहाँ 3.7 और 3.8, तो 3.1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 या 7 है, ये 3.7 है और ये 3.8 है, ठीक है। सब ना लिखिएगा, सब लिखोगे तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, मिल गया। अब आप 3.7 और 3.8 को खींच दो, ऐसे जूम कर दो, जूम कर दिया हमने, नंबर लाइन पे दोनों तरफ एरो बनता है, ध्यान रखिएगा, ये संख्या 3.7 है और ये संख्या 3.8 है।
अब इसके 10 टुकड़े कर दो, सब में 10 ही करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये 3 × 10 = 8 है, ठीक है, कर दिया। अब देखो इसके बीच में जो आपकी संख्या है 3.7 से बड़ी, यानी 3.7 के बाद 6 आ रहा है, और 3.76 मतलब 3.76 से बड़ी है और 3.77 से छोटी है, सही कह रहा हूँ ना भाई, 7.7 से छोटी है ना, 7.6 के बाद एक और संख्या आई है लेकिन 7.7 से छोटी है, तो आप इन दो संख्याओं को यहाँ मार करो। 3.7 के बाद नंबर कैसे चलते हैं, ये नंबर चलते हैं 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 ऐसे चलते हैं, और जब 3.79 आ जाएगा इसके बाद 3.8 आएगा, मालूम है ना। तो देखो आपको 7.6 टू 7.7 चाहिए, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 ये नंबर है 3.76 और ये नंबर है 3.77, मिल गए दो नंबर, तो यानी आपका नंबर जो है ना इससे भी बड़ा है, तो 3.76 और 3.77 के बीच में लाई करता है। तो जरा फिर इस दोनों नंबर को उठाओ और फिर जूम कर दो, इनको दूर दूर कर दो, एक और नंबर लाइन बनाओ, बना लिया, यहां पर 3.76 लिख दो, यहां पर 3.77 लिख दो, क्योंकि आपका नंबर इन दोनों के बीच में है ना। इसके 10 टुकड़े करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने आधी इंग्लिश हिंदी बोली है दोनों मीडियम को समझाने के लिए, नहीं आप कर सकते हैं। देखो इसके नंबर भी कैसे लिखे आते हैं, 3.761, 3.762 ऐसे लिखेंगे, तो देखियो 3.761, 3.762, 63, 64, 65 ये नंबर आपको मिलेगा 3.765। तो समझ में आया कि आप सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड से कैसे आप जूम कर कर करके इसका आवर्धन कर करके आप एग्जैक्ट नंबर कितने भी डेसिमल तक निकाल सकते हैं, आगे भी डेसिमल 5, 6, 7, 8 कितने भी चौक निकालो लेकिन उतनी ही नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। आप बुक उठाओगे तो उसमें देखा होगा हैंडल लेंस लगाए ऐसे, मैग्नीफाई करना मतलब बड़ा बड़ा दिखाई पड़े, तो अब आप लेंस तो लगाओगे नहीं तो आपको ऐसे बड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 4.26 बार, तो 2626 लिख सकते हो ना, ये कह रहे हैं दशमलव के 4 स्थानों तक आफ्टर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो 4 प्लेस ऑफ डेसिमल यहाँ तक हुआ ना, ये नंबर रिप्रेजेंट करना है। अब देखो 4 डिजिट है, अभी तो 3 डिजिट किया था, एक और बढ़ गई वैल्यू। सबसे पहले संख्या देखिए, पहला स्टेप आपको क्या करना है, ये संख्या 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो पहले 4 और 5 के बीच में नंबर एक खींचो, एक नंबर लाइन खींचो और उसमें दो नंबर रिप्रेजेंट करो, 4 और 5, दो ही नंबर करना क्योंकि जगह कम रहती है, 4 और 5, और इसके 10 टुकड़े कर दो, 10 टुकड़े ने 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर दिए। अब ये अब देखो 4 और 5 के बीच में ये नंबर कैसे आएगा, 4.2 के आगे भी नंबर है ना, तो 4.2 से बड़ा है और 4.3 से छोटा है, तो ये दो नंबर आप यहाँ पर डिनोट करो, सब ना लिखिएगा, ये 4, 5 बीच नंबर कैसे लिखेंगे, 4.1 ये है, ये 4.2 है और ये 4.3 है, तो आपका नंबर 4.2 और 4.3 के बीच में, 4.2 से बड़ा है और 4.3 से छोटा है, तो इन दो नंबर को लो और जूम कर दो, एक नंबर लाइन और बढ़ाएंगे और इसको आवर्धन कर दिया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 4.2, ये 4.3। अब 4.2 और 4.3 के बीच नंबर कैसे लिखे जाते हैं, देखो नंबर ये तरीका होता है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है, तो 4.21, 4.22, 4.23 ऐसे नंबर जाएगा ना, और 4.29 तक जाएगा, फिर 4.3 आ जाएगा, यही होगा ना। तो आपका नंबर क्या है, 4.26 से बड़ा है और 2.7 से छोटा है, तो आप 4.26 और 4.27 नंबर सर्च करो, देखो 4.21, 22, 23, 24, 25, 26
ये नंबर आएगा 4.26, ये नंबर आएगा 4.27, और इन्हीं के बीच में आपका नंबर लाई करता है। तो आप 4.26 और 4.27 को अलग जूम करो जरा, फिर जूम कर रहे हैं हम, जूमिंग प्रोसेस चलता रहेगा, जितने डिजिट बताएंगे ना उतनी नंबर लाइन बतानी पड़ेंगी आप। तो ये आएगा 4.26 और ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 4.27 आएगा। देखिए बुक में तो सब नंबर नोट किए गए हैं, आपके पास जगह हो सब नोट कर लीजिएगा और ये दो नंबर को डार्क कर दीजिएगा, बस इतना कर सकते हो। देखिए 4.26 और 27 के नंबर लिखे कैसे जाते हैं, 4.261, 4.262, 4.269, फिर 4.27 ही तो आएगा। तो हमको देखिए 4.26 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो आपको 4.262 से और 4.263 इसके बीच नंबर चाहिए। तो 4.261 और 262, तो ये नंबर आएगा 4.262 और ये नंबर आएगा 4.263, मिल गया नंबर। अब आपका नंबर इसके भी बीच में है कहीं, तो फिर इसको जूम करिए। इस प्रकार से प्रोसेस अप्लाई होता है, ध्यान समझिएगा, कुछ एग्जांपल अपने आप लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4.262, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4.263। देखो आपका नंबर 4. इसके नंबर कैसे लिखते हैं, 4.2621, 4.2622, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये नंबर आएगा 4.2626। समझ में आई बात नहीं आई? इस प्रकार से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके हम नंबर्स को लिख सकते हैं। तो दो ही क्वेश्चन थे, एक दो एग्जांपल बता दिए, ये एक्सरसाइज 1.4 है, नियमता नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, लेकिन अभी और कॉन्सेप्ट आपके यहाँ है इस चैप्टर में, चूँकि एनसीईआरटी में चैप्टर्स बड़ा है, क्वेश्चंस तो कम है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो इसको पढ़ लीजिएगा। नमस्कार।